हेलो सर, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज सौरभ डोंगरे। एंड सर, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? आई एम अ सिनेमाटोग्राफर एंड एडिटर। लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को मानसिक परेशानी फेस करनी पड़ी है, क्या आपको भी कोई ऐसी परेशानी फेस करनी पड़ी? लॉकडाउन में मानसिक परेशानी तो हुई, आई कैन से, और ये मैं मेरे साथ सभी काम करने वालों की तरफ से मैं बोल सकता हूँ। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, मेरी इंडस्ट्री या फिर हमारे लोगों ने देखी है, और सवाल जहाँ तक मेरा है, जहाँ तक मैंने देखी है, सिचुएशन बहुत टफ थी उस टाइम पे। पूरा देश लड़ रहा था, और उस टाइम पे हमारा ऐसा हो गया था कि हम चार दीवारी में बंद हो गए थे। और एक आर्टिस्ट का चार दीवारी में बंद रहना, उसको काम ना मिलना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। परेशानी तो बहुत हुई है, मानसिक परेशानी कह सकते उसे। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, इस कैंपेन के जरिए आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? मेरे लिए पेंडेमिक के बाद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और ये टॉपिक के बारे में जानना और लोगों को जागरूक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई एम थैंकफुल टू NIMCJ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ये कैंपेन के थ्रू, और मैं चाहूँगा, ये मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर किया जाए, इस टॉपिक को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम सागरिका पाटिल है। आप क्या करती है? मैं फिलहाल मास कॉम एंड जर्नलिज्म के मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में। ओके, हम एक मेंटल हेल्थ कैंपेन कर रहे हैं, और वो कैंपेन के लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है, तो वो लॉकडाउन में क्या आपको कोई मानसिक परेशानी हुई, या आपके कोई पहचान में जिनको मानसिक परेशानी हुई है? हाँ, मेरी बहन PTSD की शिकार है। वो पिछले 2 साल से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही है। तो वो लॉकडाउन आने वाला है नहीं आने वाला, ये हमें पता नहीं था, बट उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है पिछले 1-2 साल से, वो हमें पता था। और साथ में लॉकडाउन आएगा और क्या परेशानी लाएगा, इसके लिए हम उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट एज द टाइम पास्ड और जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गए बाहर निकलने के, वैसे वैसे उसको लेके हमारे कंसर्न्स बढ़ गए थे। डिप्रेशन के बारे में कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश की है, या कभी उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है? सिचुएशन का ऐसा है कि जो परिस्थिति होती है जिससे मेंटल हेल्थ का पेशेंट गुजरता है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील करता है। बाहर में भले ही ताज़ी हवा हो, बट अंदर से बहुत ज़्यादा घुटता है। तो वो सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हम लोग हमेशा बहुत कोशिश करते हैं। लगता है कि ये जो ऐसे कैंपेन्स जो हम कर रहे हैं फिलहाल, जो हमारा हैशटैग है टॉक अबाउट इट, तो ऐसे कैंपेन्स और बनाने चाहिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और इस बात का सीरियसनेस उन तक पहुंचे। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना, ये हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा वो फोरफ्रंट पे आया नहीं है, बट मेंटल हेल्थ इतना बड़ा कंसर्न है कि जिससे पता नहीं कितने लोग होंगे जो आज उस परिस्थिति में होंगे, बट बिकॉज वो बात नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया है, इसलिए वो आगे नहीं आ पा रहे। बट इसका कंसर्न मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, उतना ज़्यादा है।